जीता था जिसके लिए, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सोशल मीडिया पर वायरल पाकिस्तानी कुमार सानू से, जो कि खेतों में काम करता है और जब ये गुनगुनाता है तो पूरा गांव जमा हो जाता है। ये प्यार तो तुमसे करता है। इनकी आवाज हूबहू कुमार सानू जैसी है, हर कोई इनकी आवाज का दीवाना है और लोग इनसे फरमाइश करके अपनी पसंद के गाने भी सुनते हैं। ये कब से गा रहे हैं, इनको कब पता चला इनकी आवाज कुमार सानू जैसी है और अब तक कितनी ऑफर्स आ चुकी हैं, जानिए इस वीडियो में। ओ मेरे साजन 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 मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। आप कब से कुमार सानू की आवाज़ में गाने गा रहे हो और आपको कब पता चला कि आपकी आवाज़ जो है वो कुमार सानू से मिलती है? मैंने सर ना 16 साल हो गए ने कुमार सानू से गाने गाते। और आपको बताया किसने कि आपकी आवाज़ कुमार सानू से मिलती है, आपको कैसे पता चला? वाह, बेलियाँ सजना ने बताया सर। आपको ये कैसे पता चला कि आप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी? सर चैनल वाले ने मैंने दसा कि यार तू तो वायरल हो गए। आप सोशल मीडिया पर इतने वायरल हैं तो क्या किसी म्यूजिकल बैंड से ऑफर आए कि आए आप हमारे साथ गाना करें? नहीं सर, उन्होंने तो मैंने हाले तक कोई गलबात सुनी जी नहीं। आप ये बताएं कि आपकी आवाज़ में इतना दर्द है कि जिसका दिल नहीं भी टूटा होता उसको भी फील होता है, तो आपका कभी दिल टूटा? नहीं सर, दिल तो जो टूटता ही है तो बंदा गाता है, लेकिन एक शौक हो जाता है इंसान को कि शौक नाल गाता है तो कुछ दर्द नाल गाता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन। इस आवाज़ को बनाने में आपको कितना टाइम लगा, कितनी देर से आप इस आवाज़ को बनाने की कोशिश करते रहे फिर जाके आप कामयाब हुए? सर ना मैंने 16 साल हो गए ने कोशिश में कर रहे हैं कि मैं शौक ना गावा। आप ये बताएं कि आप इवेंट्स शादियों वगैरह पर भी जाके गाते रहे हैं या गाते हैं? नहीं मैं सर गाँव रहा, मैं दोस्त बेली सज्जन लेके जाते सर कि यार आप इतने आए आप गाएं। कहाँ पे आप यहाँ पे गाते थे या आउट ऑफ सिटी जाके गाते थे? जी सर मैं लाहौर गाँव रहा, लाहौर जितने यार बेली रहे। तो अब आप वहाँ से वापस क्यों आए? सर वो बस कुछ ऐसे मजबूरी हैं कि आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो, बस ये दुआ है मेरी ऐसी हर एक रात हो। आपने अपनी एल्बम लॉन्च करने का क्यों नहीं सोचा, अपना गाना लॉन्च करने का क्यों नहीं सोचा, क्योंकि आप वायरल हो चुके हैं, आप तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, तो आप अपने एल्बम लॉन्च करने का क्यों नहीं सोच रहे? सर जेड़े हालात आ गए हैं ना सर, इन्हों ना अगे जोगा छड़े ना पीछे जोगा छड़े, हालात ही ऐसे ने बस। आप मेहनत मजदूरी से ज़्यादा कमाते थे या पहले ज़्यादा कमा रहे थे सिंगिंग से? नहीं सर शौक से कमाऊँ तो मैं बराबर ही कमाता हूँ। मतलब आप दोनों, आपको कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों तरफ शौक से? अच्छा आप दो दो काम एक साथ कर रहे हैं, आप इनको मैनेज कैसे करते हैं, आप कैसे संभाल लेते हैं? सर बस दिल लगा के जो काम करा ना मैं, जब दिल लगा के तो उधर सर मैं जड़ा है ना। कुमार सानू का आपने सबसे पहला कौन सा जो गाना है वो गाया था? आशिकी मूवी का गाना। आप हमें सुना सकते हैं? जी सर। ओ सांसों की ज़रूरत है जैसे, सांसों की ज़रूरत है जैसे, ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की ज़रूरत है जैसे, जाम की ज़रूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जिनके पास आप लोग काम करते थे वो तो आपसे काम लेते हैं, तो आपको वो गाने के लिए टाइम देते हैं?
जी सर, वो टाइम देते हैं, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है सर, गाता हूँ, अपने शौक से काम करता हूँ। इस फील्ड में आने के लिए आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? ये तो सपोर्ट तो कोशिश है कि अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखें, और वैसे जो मेरा भाई अमरान है ना, वो बहुत सपोर्ट करता है। अमरान भाई, खूबसूरत है वो, दिल का मेहमान है, मेरे महबूब की यही पहचान है। आपको कुमार सानू से मिलने की ख्वाहिश है? जी सर। आप इन फ्यूचर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह। आप पाकिस्तान में रह के काम करेंगे या आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, इंडिया जाएंगे? सर जो गाना है सर, तो वो मैं तो चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में गाऊँ। यानी अभी आपको ऑफर्स मिलती हैं तो आप पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए मूवीज़ के लिए गाएंगे? जी इंशाल्लाह। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। गाना याद करना जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो आप कुमार सानू कितने बड़े बड़े और मुश्किल गाने कैसे याद कर लेते हैं? सर मैं शौक नाल कर लेना उन्होंने याद, यानी कि जो एक दिल नाल गाना उन्हों तो याद कर लें, जिमें वो मतलब एक गाने लोग हैंड फ्री ला लेंगे ने, तो वो फिर जिन्हें बैठ जाते हैं कि यार ये गाना मैं गावगा। आप कितनी दफ़ा कुमार सानू का गाना सुने और आपको याद हो जाता है? 4 to 5-10 minutes तक। दिन में आप काम करते के साथ साथ गाने में उनके गाते रहते हैं? हाँ जी, गुनगुनाता रहता हूँ सर मैं उसके गाने। मेरे महबूब की यही पहचान है, थोड़ी मासूम है, थोड़ी नादान है, थोड़ी मासूम है, थोड़ी नादान है, मेरे महबूब की यही पहचान है। आप एक दिन में कुमार सानू के कितने गाने गा लेते हैं, क्योंकि आप साथ काम भी करते हैं अपना? मैं सर ना 30 गाना उनका गा जावांगा। लेकिन आप काम भी करते हैं, तो काम करने के दौरान और उससे पहले आपको टाइम मिलता है, तो आप कितने गाने गाते हैं? सर मैं काम दे विच भी इन्ना मैनू नहीं पता होंगे कि मैं उनके गाने किन्ने गा जाना, 100 भी गा जाना 50 भी गा जाना, लेकिन पता ही नहीं जो मैं गाँव गाँव काम करना, तो मैं पता ही नहीं लगता कि मैं किन्ने गा जाना। ओ मेरे साजन साजन साजन, मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है।